The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीआईपी डाइट के बारे में। जी हाँ, डीआईपी डाइट, इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये बहुत कारगर हो रही है कई सारी बीमारियों में। तो क्यों और कैसे, कितनी बेनिफिशियल है डाइट? जी हाँ, इस डाइट से कई लोगों का फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ये सच है। लेकिन इस डाइट में कमी भी है, उस कमी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में। सीधा बात, नो बकवास। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि डीआईपी डाइट है क्या। दोस्तों डीआईपी डाइट ये विश्वरूप रॉय चौधरी नामक एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाया है और उनके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। नो ऑफेंस बट द डाइट इज नॉट बैड। ऑलराइट, डाइट क्या है आइए बात करते हैं। डाइट में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और स्प्राउट्स और बेसिकली कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं डाइट में। आपको सबसे पहले, सबसे अच्छा रूल जो इस डाइट का है वो ये है कि आपको सारी प्रकार के पैकेज्ड फूड, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो फैक्ट्री से आने वाले प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड नहीं खाने हैं, अवॉइड करने हैं, बंद करने हैं। ये सबसे अच्छी बात है जो ना सिर्फ इस डाइट में है बल्कि एक साधारण लाइफ में भी हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे नंबर की जो अच्छी बात है इसमें भी डाइट में, अल्कोहल, स्मोक और किसी भी प्रकार के नशे को मना किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और घर के पके हुए खाने को, होम कुक फूड को बोला गया है खाने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है ये। और जो बोला गया है उसमें कि आपने सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आपने जितना हो सके उतने फ्रूट्स खाने हैं, उसकी क्वांटिटी फिक्स की जाती है उनकी कि आपने सीजनल फ्रूट्स खाना है। आपके जितने अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा। क्वांटिटी कई बार एक नंबर जिसको आप फूड इंडेक्स मान लीजिए, उसके लिए चार्ट दिया जाता है, उस चार्ट के अनुसार आप अपने वजन, अपने हाइट के हिसाब से अपना फूड इंडेक्स निकाल सकते हैं। या फिर कभी आपके वजन के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से वजन को 10 से मल्टीप्लाई करके आपका फूड इंडेक्स या आपका एक नंबर आ जाता है, 60 किलो के लिए 600 ग्राम्स हो जाएगा। तो 600 ग्राम्स फ्रूट्स आपने सुबह सुबह खाना है ये बोला जाता है, राइट। तो सुबह आपने फ्रूट्स खाने हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, या फ्रूट का आप जूस ले सकते हैं ये बताया जाता है। और ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फ्रूट्स खाने में कोई नुकसान नहीं है। और 600 क्या, कोई लोग 1 किलो भी खा सकते हैं, ऑब्वियसली 100 किलो का पर्सन होगा तो 1 किलो हो जाएगा। तो 1 किलो फ्रूट्स, 1 किलो वेजिटेबल्स अच्छा खासा आपका पेट भर देंगे। दूसरी चीज खाने को बोला जाता है वेजिटेबल्स यानी के सीजनल रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची, अनकुक्ड, वॉश्ड, क्लीन्ड प्रॉपरली उसको खाना है आपने। उसके लिए भी एक फूड इंडेक्स के नंबर को या तो हो या फिर वजन के साथ 10 मल्टीप्लाई करके उतनी वेजिटेबल्स, उतने आपने सैलेड खाना है। उसमें मेनली वैसे तो हर प्रकार के फ्रेश ग्रीन फ्रेश रॉ वेजिटेबल्स बोला जाते हैं, मेन आपका टमाटो और मेन आपका खीरा यानी कि क्यूकम्बर पे जोर दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। सैलेड्स तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है खाना, दैट इज वेरी गुड, सैलेड्स खाना चाहिए। बोला जाता है कि आप सैलेड्स को एक अलग से प्लेट में रखिए, प्लेट 1 प्लेट 2 कर दीजिए। उस प्लेट 1 प्लेट 2 में सबसे पहले सैलेड्स वाली प्लेट खाइए, जो बहुत अच्छा टेक्निक है, रियली लाइक दैट वन। और बाद में अगर आपका पेट फिर भी नहीं भरता, आपको और खाना है, तो फिर आप सादा खाना खाइए, प्लेट 2 खाइए। उसमें बोला गया है कि आप प्लेट 2 जितना मर्जी खा सकते हो, बट देन आई डोंट सो मच अग्री ऑन दैट, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बिकॉज हमारे दुनिया में जितना मर्जी खाओ वाले लोग बहुत कुछ खा लेते हैं और दैट इज नॉट गुड। और थर्ड चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को बोला जाता है, उसको भी एक फूड इंडेक्स के हिसाब से बताया जाता है, या तो फूड इंडेक्स निकालेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते 0.1 से, या वेट को भी निकालेंगे तो वेट को हिसाब से वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली आ जाता है क्या,
60 ग्राम्स आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, जिसमें स्पिनच, लेटिस, बीटल लीफ, पान जैसी चीजें हैं। नट्स को खाने के लिए बोला जाता है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके खाने के लिए बोला जाता है वजन से, या फिर बेसिकली आ जाता है 30 ग्राम के आसपास। नट्स, स्प्राउट्स को खाने के लिए बोला जाता है, स्प्राउट्स खा सकते हैं, जिसमें वो भी आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम स्प्राउट्स खाना है। तो बहुत अच्छी डाइट है, इसको डिवाइड भी करा जा सकता है। सुबह के टाइम पे आपने सिर्फ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सिर्फ जूसेस लिया, दोपहर में फर्स्ट प्लेट वन प्लेट और प्लेट टू, रात में लंच में प्लेट वन प्लेट टू, प्लेट वन में सैलेड्स, दोनों बार सैलेड्स अच्छी क्वांटिटी में, प्लेट टू में नॉर्मल खाना खाने को बोला जाता है। वेरी वेरी गुड, जो ये पॉइंट है। सेकंड, इसमें इस डाइट में अवॉइड करने के लिए बोला जाता है किसी भी प्रकार के एनिमल फूड का, किसी भी प्रकार के दूध दही या रॉ मिल्क, बॉइल्ड मिल्क, टी, कॉफी, मिल्क शेक, इन सबको। तो घर का खाना खाने के लिए बोला जाता है, वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला जाता है, फ्रेश कुक्ड वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, ये सब खाने के लिए बोला जाता है। इस डाइट के साथ कई सारे क्लेम्स भी है, ऑल्दो ये डाइट बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट, अच्छी डाइट है, वेरी गुड। तो इसके बेनिफिट क्या है? नंबर वन, अगर आप इसको एक नॉर्मल इंडियन डाइट से कंपेयर करेंगे, अगर आप इंडियन डाइट को देखेंगे, तो इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। कार्बोहाइड्रेट 70-80% जंक कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है। सब लोग या तो पराठे खा रहे हैं, या बर्गर खा रहे हैं, या पिज्जा खा रहे हैं, या डोनट खा रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। तो एक उस डाइट से बाहर निकल के जब आप ऐसी डाइट पे आते हो, बर्गर, पिज्जा, मैदा और इस प्रकार के डाइट पे आते हो, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, एब्सोल्युटली बहुत बेनिफिट करेगा। ये आपके, चाहे आपको मोटापा हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, उन सब में आपको बेनिफिट करेगा, नो डाउट। एक इसीलिए एक नॉर्मल इंडियन के लिए ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन देर इज अ कॉम्प्लिकेशन, नाउ देर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम विथ, तो ये हो गया बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है कि आपको वाइटामिन अच्छे मिल जाएंगे सैलेड से, फलाना ढमकाना चीजों से जो आप खा रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड से अच्छे आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स अ सेकंड बेनिफिट। और फ्लूइड्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। एक और बहुत बड़ी कमी है इंडिया के अंदर लोगों में, पानी की। लोग पानी नहीं पीते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों में डैमेज होता है बॉडी में, डिहाइड्रेशन, किडनी डैमेज, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। सो पानी भी अच्छी क्वांटिटी में आ जाएगा अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस ये सब ले रहे हैं, कोकोनट वाटर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। So that's how benefits are there. Overall, a good beneficial diet. But here comes the problem. Problem है, अगर आप इसको long term लेने की कोशिश करेंगे, तो long term में there are high chances कि आपकी body में protein malnutrition होगा। जी हाँ, what is protein malnutrition? अगर आप search करेंगे protein malnutrition India, तो India के अंदर ये बोला जाता है कि India के अंदर already we are badly insufficient in protein। मतलब इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग 60-80% जनता प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, यानी वो उतना प्रोटीन नहीं खा रहे जितना उनको खाना चाहिए। अगर आप फोर्ब्स की जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे इंडिया के, तो फोर्ब्स आर्टिकल में बताया गया है कि मोर देन 80% जो लोग इंडिया के हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं, उनका जो रेकमेंडेड डाइट जितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना, उतना उससे आधा भी नहीं खाते हैं। वेरी वेरी डेफिशिएंट। एक इंसान जो रेगुलर एक गिलास, अगर आप प्रोटीन की बात करें, तो जो लोग नॉर्मल डाइट खाते हैं, जो क्योंकि हाई प्रोटीन के लिए दालें बोली जाती हैं, तो एक कप दाल में और एक साथ में अगर आपने दूध भी ले लिया, एक गिलास दूध और एक कप दही, तो तीनों मिला के भी मुश्किल से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 7 only 7। तो प्रोटीन आपको 50 ग्राम चाहिए, 60 ग्राम चाहिए। सो इवन इफ अगर आप 30 ग्राम स्प्राउट की बात कर रहे हैं, 30 ग्राम स्प्राउट में जो दाल है, एक 100 ग्राम स्प्राउट में भी आपके पास सिर्फ 15-20 ग्राम प्रोटीन आता है, सिर्फ दैट मच। तो 30 ग्राम में आपके पास मुश्किल से 7-8 ग्राम प्रोटीन आएगा, 7-8 ग्राम प्रोटीन। नट्स में 30 ग्राम नट्स में आपके पास अगेन 5-6 ग्राम प्रोटीन आएगा, तो मुश्किल से 10-15 ग्राम प्रोटीन हुआ। फ्रूट्स के अंदर ना के बराबर प्रोटीन होता है, और आप पूरे दिन के फ्रूट्स में 1-2 ग्राम प्रोटीन मान लो,
वेजिटेबल्स के अंदर ना के बराबर प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में थोड़ा होता है 2% 3%, तो उसमें आप 5% 5 ग्राम प्रोटीन मान लो, तो टोटल बड़ी मुश्किल इस डाइट में आपका 10 से 20 ग्राम प्रोटीन ही हुआ पूरे दिन में। एक मिनिमम बोला जाता है, मिनिमम 10% आपकी कैलोरीज का आपने प्रोटीन खाना ही चाहिए। मतलब अगर आप 2000 कैलोरी भी खा रहे हैं तो मिनिमम 50 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, इफ नॉट 100 ग्राम्स 2000 कैलोरीज में, तो 50 ग्राम से भी अगर आप आधे से कम खाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम तो वो आपकी मसल्स छोटी हो जाएगी, कंधे छोटे हो जाएंगे, बूढ़ा बोन्स वीक होंगी, आपके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी के साइंस आने लगेंगे। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि आपके शरीर का हर एक हिस्सा प्रोटीन से बना है, सो आपको प्रोटीन चाहिए। आपके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसीज के साइन जो होते हैं वो होते हैं एडिमा, आपके हाथ पैर में सूजन आ सकती है, आपके फैटी लिवर प्रॉब्लम, लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जी हाँ, स्किन हेयर नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, मसल लॉस होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, आपको बोन फ्रैक्चर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं आगे चल के। बच्चे अगर ऐसी लो प्रोटीन डाइट लेंगे तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर हर चीज प्रोटीन से बनने वाली है, तो दैट इज नॉट गुड। आपके लिटरली इम्यून सिस्टम के सेल्स भी कम हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोटीन डेफिशिएंसी रहेगी तो, दैट इज नॉट गुड। आपकी कैलोरी इंटेक वैसे दूसरी चीजों से बढ़ जाती है, सो दैट इज नॉट। तो एटलीस्ट आपने, बहुत जरूरी है, एट लीस्ट 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना। 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट मतलब अगर आप 60 किलो के हो तो कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन पर डे आपने लेना ही लेना है। अगर आपको यह नहीं पता कि कौन सी चीज में कितना प्रोटीन है तो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाला मेरा वीडियो जाके देखिए, वो हमारे दूसरे चैनल में है। बॉटम लाइन इज कि डीआईपी डाइट इज वेरी गुड इफ कंपेयर्ड टू राइट नाउ व्हाट पीपल आर टेकिंग, बट यू नीड प्रोटीन्स। घोड़ा भी चने खाता है दोस्तों, तो अगर आप डीआईपी डाइट खा रहे हैं तो उसमें चने डाल दीजिए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध नहीं लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें चने डालिए, स्प्राउट्स डालिए, सोयाबीन डालिए, उसको बढ़ाइए। उसमें आप ये चीजें ऐड कर देंगे, सोयाबीन में अगर आप 50 ग्राम सोयाबीन लेते हैं तो 20-25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 50 ग्राम चने लेते हैं तो 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, तो दैट इज गुड। तो अगर आप 50-50 ग्राम चने, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, इनको और बढ़ा देंगे तब जाके आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी डीआईपी डाइट इज वेरी गुड इन एज कंपेयर टू अदर्स, बट प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग में है तब तो आपके लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। सो रेस्ट ऑल गुड, आई होप यू लाइक द वीडियो। Please, please, please don't put negative comments. अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, अच्छे पॉइंट से लिखिए नीचे, जवाब दिया जाएगा, और शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।